लाल संग लीला जिसकी बड़ी सुहानी है, गोरक्षक गोपाल कृष्ण की अमर कहानी है, कृष्ण की अमर कहानी है। ग्वाल बाल संग लीला जिसकी बड़ी सुहानी है, गोरक्षक गोपाल कृष्ण की अमर कहानी है, कृष्ण की अमर कहानी है। जब धर्म पे अत्याचार के बादल छाए थे, जब क्रूर कंस ने पाप के जाल बिछाए थे, जब फूल से बच्चों पर जुल्मी तलवार उठी, जब त्राही त्राही कर धरती मैया पुकार उठी, उस समय लिया अवतार, कथा ये बहुत पुरानी है, गोरक्षक गोपाल कृष्ण की अमर कहानी है, कृष्ण की अमर कहानी है। कारागार में बंदी थे, उनके पहरे पर राक्षस गण स्वच्छंदी थे, अष्टमी भाद्रपद की थी, रात अंधेरी थी, जब दया धर्म की गूंज उठी रणभेरी थी, उस समय लिया अवतार, कथा ये बहुत पुरानी है, गोरक्षक गोपाल कृष्ण की अमर कहानी है, कृष्ण की अमर कहानी है। देवकी। कौन? नाथ? हाँ देवकी, मैं वसुदेव। तो आपको भी ये दुष्ट लोग ले आए? एक तरह से ये भी अच्छा ही, कम से कम ऐसे दुख में आपके दर्शन तो कर सकूं। मेरे दर्शन से तुम्हारे दुख दूर नहीं होंगे देवकी, मैं भगवान नहीं, पति ही पत्नी का परमेश्वर है, ईश्वर उसके दुख का सहारा है। मैं आज आपसे एक वचन मांगना चाहती हूँ। जो इच्छा हो खुशी से मांगो। ईश्वर ना करे, अगर ऐसी हालत में मुझे कुछ हो गया तो आप मेरे होने वाले आठवें बालक को अवश्य बचा लेंगे। ईश्वरीय आकाशवाणी में अगर तुम्हारा अटल विश्वास है तो कंस का काल बनकर जन्म लेने वाले बालक की शक्ति और भावी पर श्रद्धा रखो। श्रद्धा संसार की सबसे बड़ी शक्ति है। श्रद्धा में ही तो मेरे साथ साथ बालकों का व्यर्थ नहीं जाएगा। तुम्हारी धीरज और आंसुओं की कीमत भगवान अवश्य चुकाएगा। उन पर विश्वास रखो। विश्वास पर ही तो अब तक जी रही हूँ कि भगवान एक दिन मुझे ऐसा पुत्र देंगे जो हम पर बीते हुए अत्याचारों का गिन गिन कर बदला लेगा। नहीं नहीं देवकी, बदला लेना भगवान का काम है, वो उन पर छोड़ दो। भगवान इस संसार का भगवान तो मैं जी महाराज। कारागार से कोई समाचार आया? जी नहीं महाराज। तो उनका भगवान भी मुझसे डर गया। कंस का काल बनकर जन्म लेना कोई खेल नहीं संतन। किंतु आप निश्चिंत रहिए देवी, पृथ्वी और पृथ्वी के संतानों को मैंने वचन दिया है कि जब जब संसार में धर्म की हानि होगी, देवी शक्तियों पर दानवी शक्तियों का अधिकार होगा, तब तब मैं सम अवतार रहकर दुष्टों का दमन करूंगा और धर्म की संस्थापना करूंगा। ये तो मैं भी जानती हूँ भगवान, किंतु इस बार कंस का सामना है, इसीलिए तो मैं अपनी शक्ति चक्र और शांति के प्रतीक इस बंसी को भी साथ लेकर पृथ्वी पर एक ऐसे धर्ममय राज्य की स्थापना करने जा रहा हूँ जिसे लोग युगों युगों तक याद करेंगे।
यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदातिमानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशायश्च दुष्कृताम् धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। वासुदेव, मेरे जन्म का समाचार संसार में फैले उससे पहले मुझे गोकुल में पहुंचा दो। गोकुल में नंद के यहां मुझे रखकर उनकी पैदा हुई कन्या को यहां ले आओ। समय रहते साहस करो। देवकी, प्रभु की वाणी सुनी? हाँ माँ, देते ही बालक को त्याग देना। ममता के मुंह में न पड़ो देवी, प्रभु की लीला को समझने का प्रयत्न करो। किंतु बाहर तो कड़ा पहरा है। उसकी चिंता हम क्यों करें? हमारा काम तो कंस को समाचार मिलने से पहले प्रभु की आज्ञा का पालन करना है। समाचार मिलते ही अनर्थ हो जाएगा। टोकरी? वासुदेव, इस बालक को शीघ्र टोकरी में रख लो। देवकी, जल्दी करो। रुको रुको। एक किरण आस की अर्ध रात्रि में छूट गई, बंदी ग्रह की श्रृंखला स्वयं ही टूट गई। भगवान की लीला सुनो कि ये अमृत की वाणी है, गो रक्षक गोपाल कृष्ण की अमर कहानी है, कृष्ण की अमर कहानी है। अंधेरी घटाओं ने घेरी, रात अंधेरी घटाओं ने घेरी, जमुना में बाढ़ का जल उछले, मथुरा से गोकुल श्याम सुंदर को सर पे लिए वसुदेव चले। रात अंधेरी लीला दिखाई बाल गोपाल ने, हिलने लगे श्री चरण कमल, जिसको छूकर शीश नवाकर शांत हुआ जमुना का जल, शांत हुआ जमुना का जल, शांत हुआ जमुना का जल।
अरे उठो उठो, ओ भाई जागो जागो जागो। मालमता बच्चे का जन्म हुआ है। तुम लोग सावधान रहो, मैं बाहर खबर करके आता हूँ। समय भी आ ही गया, मेरा काल बनकर जन्म लेने वाले तेरे आठवें बालक को अपने हाथों से समाप्त कर। किंतु महाराज, ये बालक नहीं बालिका है। विश्वास करो, ये बालिका ही है। बालिका कालिका होकर मेरा काल भी बन सकती है। ये छोटी सी चिंगारी सारे संसार को जला सकती है। लाओ इसे इधर। नहीं नहीं भैया, इस बच्ची पर दया करो। दया? काल और दुश्मन पर दया करने वाला स्वयं समाप्त हो जाता। मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। भैया, 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 नहीं महाराज, ये महाराज भैया, भैया, मैं आज भला कर आपसे भीख मांगती हूँ, ये बच्चा मुझे दे दीजिए। इतने बरसों से किस अवसर की राह देखा, समय आने पर चूक जाऊं। बहन की संतान अगर भाई का काल बनकर जन्मे तो वो बहन नहीं शत्रु है। यही महाराज ने आप। अरे मूर्ख राजा कंस, अपनी आखिरी शक्ति पर घमंड करने वाले, तेरा काल देवकी का आठवां पुत्र वो तो कब का यहाँ से दूसरी जगह पहुँच गया है। तो तू कौन है? मैं संसार की महाशक्ति तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ कि अब भी समय है, तुम न्याय नीति और धन के रास्ते पर चलो, वरना तुम्हारा पाप ही तुम्हें एक ना एक दिन ले डूबेगा। देवकी का बालक तो केवल निमित्त मात्र होगा। मैं उस निमित्त मात्र को भी सदा के लिए खत्म कर दूंगा। देवकी, बता दरिया की संतान कहाँ है? हम पामर मनुष्य विधाता की जान को क्या जाने महाराज, हम तो कारागार में बंदी हैं। हम उसका भी पता लगा लेंगे। संतान, महाराज, सैनिकों को आज्ञा दे दी जाए, कल के जन्मे हुए सभी बालकों को मार दिया जाए। जो आज्ञा और निराधार स्त्रियों पर सैनिकों द्वारा किए हुए अत्याचार सहन शक्ति की सीमा के बाहर हो गए हैं महाराज। ये तो बड़ी खुशी की बात है कि सैनिक हमारी आज्ञा का पालन अच्छी तरह कर रहे हैं। आपकी आज्ञा? हाँ, सैनिक अपनी इच्छा से कोई अत्याचार नहीं करते, वो केवल राज आज्ञा का पालन करते। आपका प्रतिवाद राज आज्ञा का अपमान। ये प्रतिवाद नहीं है महाराज, प्रार्थना है। अगर इसमें भी आपको विद्रोह की गंध आ रही है तो राज पर आने वाली विपत्तियों को दूर करने के लिए सच्ची सलाह देने का साहस कोई भी नहीं करेगा। हमें किसी की सलाह की जरूरत नहीं। तो राज सुरा सुंदरी संगीत के तान में डूब जाएगा, अधर्म और अनीति का चारों ओर साम्राज्य होगा जिसे न्याय और नीति नहीं कर सकेगा। धर्म न्याय और नीति का ज्ञान मुझे अच्छी तरह है अक्रू। राजा पर कैसा प्रयोग करना चाहिए वही मैं कर रहा हूँ। राज मेरा, प्रजा मेरी, हमारे बीच में बोलने वाले तुम कौन? मैं राज का सेवक, राज की भलाई के लिए कह रहा हूँ, नहीं तो एक ना एक दिन धर्म अपनी ध्वजा अवश्य फहराएगा। तुम की दे रहे हो? सत्य समझा रहा हूँ महाराज। अपना सत अपने पास रहने दो, मैं भी देखता हूँ तुम्हारा धर्म और भगवान मेरा क्या बिगाड़ता है। अभिमान में अंधे होकर धर्म और भगवान को चुनौती मत दीजिए। उस परम शक्ति के सामने एक ना एक दिन आपको भी सर झुकाना पड़ेगा। चुप न हो, चले जाओ यहां से। नृत्य आरंभ हो। हाँ
दूध देगा? महाराज की जय हो। संतन क्या खबर लाए? क्या बताऊं महाराज, गोकुल में नंद अहीर के यहां एक बालक है जो बड़ा ही सुंदर और महाशक्तिशाली भी है। छोटी सी अवस्था में अपनी शक्ति से वृक्षों को उखाड़कर फेंक देने वाला बालक आज तक पैदा नहीं हुआ महाराज। और तुम लोग उसकी शक्ति से डर गए? जाओ बुलाओ पूछना को। जो आज्ञा महाराज। समझ गई पूछना? उस बालक की मृत्यु ही हमारी आज्ञा। अपनी सारी शक्ति लगा दो महाराज। आप मेरी शक्ति पर पूरा विश्वास रखिए। वो इतना काम पूरा किए बिना कभी वापस नहीं लौटेगा। जाओ। अजोर शक्ति, उसका भी विनाश हो जाएगा। वालेकुम अस्सलाम। कितना सुंदर बालक है रे मेरा लाल। क्या नाम है इसका? कन्हैया। कन्हैया, वारे यशोदा के प्यारे नंद के दुलारे। यशोदा माँ, यशोदा माँ, क्या है? चंपा की माँ बड़ा उठा मचा। आपको ज्योति बुलाया। अहिल्या बहन, मैं भी आई। अच्छा बहन, चल। समझ गई पूतना? उस बालक की मृत्यु ही हमारी आज्ञा। अपनी सारी शक्ति लगा दो महाराज। अब मेरी शक्ति को देखना। Thank you.
स्तनों पर जहर लगाए, बोलती मीठी बानी पूत चुहाने के मिसाई, मरी पूत ना नानी। मैंने अपनी आंखों से देखा कि उसने पूतना के प्राण निचोड़े। क्या? हाँ महाराज, उसकी शक्ति के सामने पूतना की एक न चली। वो तो साक्षात भगवान है। भगवान 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 भगवान। पूतना के मरने से एक छोकरा भगवान मौत कहीं। महाराज, मैंने तो जो कुछ अपनी आंखों से देखा, हम कुछ नहीं सुनना चाहते। जाओ, हमारे पहलवानों को आदेश दे दो कि नंदहीन के उस छोकरे को जीवित या मृत हमारे सामने उपस्थित करें। क्यों आज्ञा महाराज। बेटा, मेरा अच्छा बेटा, यही बैठना, जाना नहीं किधर। हाँ, कोमल नन्हे नन्हे हाथ कोमल, नन्हे नन्हे पांव है, नन्हे लला को नजर न लगे, इनके सर पे जशोदा की छांव है। नन्हे नन्हे हाथ कोमल, नटखट की खटपट तो देखो, माखन मुख लिपटा भी लिया। नटखट की खटपट तो देखो, माखन मुख लिपटा भी लिया। खट से पटकी माखन मटकी, खाया सो खाया गिरा भी दिया। जय 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 बाल किशन की जय, जय गोपाल किशन की जय। सारी वस्तुएं तोड़ डाली और माखन भी गिरा दिया। तुम लोग झूठ मूठ क्या क्या बक रही हो, मेरा कन्हैया कहीं गया नहीं। यही वो देखो। देख लिया? तो ये कौन है? रामू तू? ये तो मेरा ही बेटा यशोदा माँ। अपने बालकों को ही तुम लोग कन्हैया समझ बैठे। मुझसे भूल हो गई, मुझे क्षमा करो यशोदा माँ। कन्हैया, मिट्टी खाता है? मिट्टी नहीं खाने की। हाँ ठीक, मिट्टी नहीं खाने की। आप ये क्या? सही
भगवान का विराट चतुर्भुज स्वरूप। Thank you.
लक्ष्मी, ये क्या कहती हो? आखिरी आंखों से तो चित चुराया जाता है। अरे के पुकार चित का छोरा, नहीं तो ये तुम्हारा किया है ना, एक फोड़ डाली है। अरे बारी ये हिरनी, वाह आंखें भी फोड़ दोगी, चुप करा के जबान भी काट दोगी, थप्पड़ भी मार दोगी, इतने से माखन के लिए इतना बड़ा दंड। अरे चुप कर मुंह चोरा। अरे बाबू बजाना बंद क्यों कर दिया कन्हैया? मेरे हृदय की धड़कन रुक जाती है। बजाओ ना कन्हैया। बंसी की सुरी तो मेरे सांसों को चला रहे हैं। पर मेरे मित्र मार खा रही हैं। अब मैं बंसी नहीं बजाऊंगा। नहीं नहीं कन्हैया, मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ। बंसी की सुर फिर छेड़ो ना। तो फिर हम सबको माखन खिलाओ। माखन? माखन क्या, तुम जो जो कहो तुम्हारे लिए सबको समर्पण कर दूंगी। ये पहले तुम खा। अच्छा है ना? मीठा है। बस बस राधा, अब मुझसे नहीं खाया जाता, मेरा पेट भर गया। लेकिन मेरा मन तो नहीं भरा, वो तो भूखा ही भूखा है। मैं जाने आज कितने जन्म की तपस्या और साधना का फल मुझे मिला है। लो खा लो, खा लो ना, खा लो ना, खाना ही पड़ेगा। छोड़ हमारा माखन खाओ ना, हमारा माखन खाओ। अरे तुम लोग चुप रहो ना। मैं हूँ मनसुका। अरे ये ब्रिजवासी, हमार माखन नहीं है का तुहार हमार पीत नहीं? अरे तुझ लंगड़े को यो माखन नहीं, यो तो मोर कन्हैया के लिए है। अरे वाह रंभावा, हमको थप्पड़ और कन्हैया को माखन, ला माखन दे। इन सबको माखन खिलाओ, सबको माखन खिलाओ। चलो सिखियो, सबको माखन खिलाओ। खोलो माखन को। बंद करिए बार-बार, मैं आज उसे देख लूंगा। देखा देखा, उसके सामने तो तुम्हारा मुंह नहीं खुलता, मिट्टी के पुतले। लो आ गई रानी जी, पूछो कहाँ थी अब तक। कहाँ थी अब तक? मालूम होता है आज भी इस गोले के छोकरे को मक्खन खिलाकर आई है। बंसी तो नहीं कहा थी अब तक? अब मक्खन बेचने गई थी, बेच कर आई है, दाम अच्छे मिले होंगे। निकाल दाम, निकाल दाम, निकाल जल्दी कर। दाम? दाम तो मिला नहीं, गोले लोग सारा मक्खन यूं ही छीन कर खा गए। क्या बात है, उन ग्वालों का इतना साहस, मैं उनकी चमड़ी उधेड़ दूंगा। मन सुखा जी मालिक, क्या ये सब सच है? नहीं मालिक नहीं, ग्वालों ने तो कोई भी गड़बड़ी नहीं की। मालिक मैं भी ग्वाला हूँ, अब आप ही बताइए क्या मैंने किसी का माखन छीन के खाया है? फिर मालिक इन्होंने तो अपने हाथ से खुशी खुशी हम सब ग्वाला को माखन खिला दी। क्या कृष्ण की मधुर बंसी सुनने के लिए? बंसी सुनने के लिए मक्खन खिलाती है।
सलाई काट। मैं चलूंगा, तू मत बोल। मना करने पर भी नहीं सुनती। खबरदार जो है कभी उससे मिलने गई, मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हारे लिए खाना लाया हूँ। आज मेरे कारण तुम्हारी ये हालत हुई। मैं सच कहता हूँ माँ, मुझे आज नींद नहीं आएगी। मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है, बहुत बड़ा अपराध किया। नहीं मनसुखा, तुम्हारा कोई अपराध नहीं। अपराध तो मैंने किया है, जो बार बार मना करने पर भी मैं कन्हैया की बंसी सुनने गई। माँ, मैंने भूल से वो माखन वाली बात मालिक से कह दी। अब मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा, कभी नहीं करूंगा माँ, कभी नहीं करूंगा। लो माँ, थोड़ा सा खा लो, खाना। मैं मनसुखा, तुम्हें बंसी वाले कन्हैया की सौगंध है। मनसुखा ला, मैं खा लूंगी। सुनो सुनो, तुम अब यहां से चले जाओ, चले जाओ। आज तो तुम बहुत सुंदर लग रही हो। सच? अरे बली बली जाओ तो हार रखी है सर। हम ससुर तो के सुंदर दिखाते हैं। मनसुखा, ये मनसुखा, हमारी उम्र या पता है? पता है पता है, तुहार उम्र हुई कोई 16 बरस की। कहाँ कही 16 बरस? नहीं नहीं नहीं, नहीं हमसे गलती होगी। तुहार उम्र हुई कोई 14 बरस की। अरे 14 बरस की हुई तुहार माँ। हमार माँ? हाँ। अरे ठीक ठीक बोल, तुहार अखियन फूट गई का? हमारे खेत तो नहीं फूटी, तू हमारा खेत फोड़ दी। तो हर उम्र हुई कोई 12 बरस की। का? इससे कम की नहीं हो सकत। अरे का? इससे कम की नहीं हो सकत। मनसुखा, हाँ अब हम का तो है 12 बरस की बच्ची दिखाते है। नहीं 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 नहीं, तो हमारी उम्र पूरे 36 बरस है। 36 का समझिए? 36 बरस तो कहा होगी? अरे वो तो कहा होगी? फिर से बोल। 36 बरस पूरे। 36 बरस? हाँ। बाप रे बाप। ए मनसुखा, हम क्या दुगने दुगनी बताइए ना है? तू तो तिगनी हो, तिगनी हो, तिगनी हो, तू तिगनी हो, तू तिगनी हो, तू तिगनी हो। सावधान रहो रे, गोपियाँ आ रही है। लो लो लो, कन्हैया मुझे भी मांगन दे। मुझे भी मांगन दो। अब बताएगा
छुप जाओ कन्हैया आ रहा, उठाओ मटकी ऊपर उठाओ उठाओ। आओ रे आओ आओ रे, खाली है बच्चा, ऊपर आओ, रुक जाओ रे, चलो कन्हैया कन्हैया चलो ऊपर चलो चलो। उतारो उतारो जल्दी लो, जल्दी लो, नहीं तो गोपी आ जाएंगी, नहीं तो गोपी आ जाएंगी। चलो मखन है, उतरो नीचे उतरो कन्हैया, कन्हैया मैं भी मालूम है कन्हैया, बहुत भूला है। बड़ा भोला है, अरे तुम्हारा लाडला है तो उसे घर में बांध के रखो, गाँव के बहु बेटियों से छेड़छाड़ न करे। हाँ यशोदा माँ, उसे समझा भी जाकर रास्ते पे लगे आओ, नहीं तो बुरी तरह मार खाएगा, फिर हमें दोष मत देना। आप लोग शांत हो जाइए, मैं कलेजा को डांट दूंगा, मैं डांट दूंगा उसको, वो अभी बालक है, वो बालक है। आप लोग मुझे क्षमा कर दीजिए, आप लोग हमें क्षमा कर दीजिए। तुमने कह दिया, गांव वाले क्या कह रहे थे, अगर आज के बाद फिर मैंने ये तुम्हारी करतूतें सुनी तो अच्छा नहीं होगा। पिताजी आप भी उनका पक्ष लेते हैं? हाँ, मैं गांव का मुखिया हूँ, न्याय करना मेरा धर्म है, अगर मैं उनकी रक्षा नहीं करूंगा तो वो किसकी शरण में जाएंगे। उनकी बहु बेटियों को छेड़ना, माखन लूटना तुम्हें शोभा नहीं देता, अब तुम बालक नहीं हो। ओहो, इसने कौन सा ऐसा वज्रपात किया है जो उनका पक्ष लेकर इसे डांट रहे हो। ये बालक है, अभी तो इसके खेलने कूदने के दिन है, खेलने जाओ, तुम कितनी अच्छी हो माँ। मन सुखा और ग्वाला सुन लो, आज मैं बहुत गुस्से में हूँ, गोपिया मेरे माँ बाप से मेरी बुराई करने गई थी, आज इस रास्ते से तो आने दो, मजा चखा दूंगा, वे अपने मन में समझती क्या है। हाँ हाँ समझती क्या है। अरे मोटू, नंद बाबा की दाढ़ुता देखकर सबके सब सर पे चढ़ गई है, जो मन में आता है वो मुँह से बोल देती है, उनकी तो बोली बंद कर देनी चाहिए, और साथ ही साथ ये रास्ता भी। हाँ, जिसे वृंदावन जाना हो वो जमुना नदी पार करके जाए। अरे तुम तो सोच ही रहे हो, वहाँ तो राधा जी गोपियों के साथ नदी किनारे भी पहुँच गई है। अच्छा तो मैं पहले चली गई, मैं उन्हें देखता हूँ, और सुनो सब लोग, कर लिए बगैर किसी को मत जाने देना, समझे मन सुखा, मैं जाता हूँ। जो रोगी के मन को भावे वही वैद्य बतावे, आज तो मैं माखन और दही खूब खाऊंगा, बोल मोटे। जी हाँ, आज तो मैं भी खूब पेट भर कर खाऊंगा। सुनो रे इधर आओ इधर आओ, तुम लोग दोनों टोली में बटकर नाकाबंदी करो, मैं यहीं खड़ा रहूंगा, जाओ रे जाओ जाओ, एक नीर है मोटे। Thank you.
कपड़े पेट पे नहीं रखा। कन्हैया, हमारे पीछे हाथ धोकर क्यों पड़े हुए हो? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है कन्हैया? ये तो अपने घर वालों से पूछो, जिन्होंने झूठ मूठ मेरे माँ बाप से मेरी बुराई की। लेकिन उनके अपराधों का फल हमें क्यों दे रहे हो? तुम हमारे प्राण हो, आत्मा हो, हम तुम्हारे अंग हैं। प्राण अपने अंगों की दुर्गति कैसे देख सकता है? राधा, ये बुरी बात, सार्वजनिक जगहों में अपनी लाज गंवाना ठीक नहीं। हम गंवार अनपढ़ लड़के ये नहीं जानते, हमें क्षमा कर दो और हमारा वस्त्र दे दो, फिर ऐसा कभी नहीं होगा कन्हैया। हमें माफ कर दो कन्हैया। अच्छी बात है, लो। आई क्या रे? नहीं बच्चू का नहीं। अरे मुटल्ली आई क्या रे? नहीं बच्चू का नहीं। आई रे आई रे आई रे आई रे आई रे आई रे आई रे। देखो है, अरे जा तो आज कहाँ ब्रिज पे धती माखे ने बेचे ने जाने ने दियो, ली हो चुकायो सबो दिन का, कर गोरस को मन में पछताई हो। तेरी न चेरी न तेरे बब्बा की, अरे तू क्या मोही ढेरी के पेड़ी लड़े हो? नंद के राज में द्वंद नहीं, बर जोरी लल्ला एक बूंद न पे हो। ओहो, अरे ठहर जा, जात का है ये ब्रिजवासिनी। अरे कहा चली कहा चली कहा चली? अरे आज कर लिए बिना कन्हैया महाराज के सेनापति मनसुखा महाराज तुम्हें नहीं जाने देंगे। देखो लल्ला, हमसे बरजोरी न करो, नहीं तो हम राधा से कह के तो हर कन्हैया की मरम्मत करा दें। अरे ये भंबो, सुन, राधा तो हमारे कन्हैया की छाया है और छाया काली होती है काली। अरे जा जा लप्पू, राधा हमारी गोरी, चिंदा की जू चकोरी, किसन तेरा छी, काला है काला है काला है। अरे भम्मो, सबसे निराला जगत का उजाला है, जगत का उजाला, जगत का उजाला, जगत का उजाला है, जगत का उजाला है।